अक्षय कुमार ने लॉकडाउन को किया सलमान खान के शो बिग बॉस से कंपेयर, कहा भगवान है इस लॉकडाउन के बिग बॉस। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार कोरोना वायरस को लेकर जागरूकता फैला रहे हैं और सभी को घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी रिलीफ फंड में 25 करोड़ डोनेट किए हैं। अब अक्षय कुमार ने लॉकडाउन की तुलना सलमान खान के शो बिग बॉस से की है। एक इंटरव्यू में अक्षय कुमार ने कहा, ये बहुत जरूरी है कि हम सब घर पर रहे, थोड़ा टाइम बिता लेते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना लेते हैं। आपके फोन आने से पहले मैं एक वीडियो कॉल पर था एक डायरेक्टर और राइटर के साथ। हम वीडियो कॉल पर पूरी स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, किसी को बुलाकर नहीं। मैं भी किसी को बुलाता नहीं क्योंकि कोई आ नहीं सकता, आना ही नहीं चाहिए। पर्सनली मिलकर जो बात होती है वो वीडियो कॉल पर नहीं हो सकती, लेकिन टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। अक्षय ने आगे कहा, आपने वो खेल देखा है बिग बॉस, सलमान खान का जो शो आता है, मेरे ख्याल से भगवान जो है वो बिग बॉस है और उसने बोला है कि सब अपने अपने घर पर रहेंगे। बिग बॉस चाहते हैं तो अपने घर पर रहना पड़ता है, जो घर के अंदर रहेगा वो ही शो का विनर होगा। बीवी बच्चों के साथ रहे, अपने हाइजीन का ध्यान रखे। अब तो बस यही कह सकता हूँ कि चुपचाप घर पर बैठे रहे, ज्यादा हिलो डुलो मत। सबसे जरूरी है सेहत का ध्यान रखना, ऐसे वक्त पर क्या होता है इंसान अपनी सेहत छोड़ देता है। वह अक्षय ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। फिलहाल आप हमें कमेंट करिए, बताएं कि आप अक्षय कुमार के इस बात से कितने सहमत हो। ऑल्सो डू लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। घर पर हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे घर बैठ के देख रहे होंगे, और अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत ज़रूरी काम से होंगे, क्योंकि अभी हम सब का खुद से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या मेरा बाहर जाना ज़रूरी है, क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है मेरे लिए, आसपास के लोगों के लिए। आप पूछ रहे होंगे कि मैं इतना सवाल क्यों कर रहा हूँ, बताता हूँ। मुंबई एयरपोर्ट पे लोग जो सफ़र से लौटे हैं, जिनका एयरपोर्ट पे टेस्ट किया जा रहा है, जो कोरोना टेस्ट में लो रिस्क कैटेगरी में हैं, उन्हें एक स्टैंप लगा के होम क्वारंटाइन के लिए भेजा जा रहा है या होटल भेजा जा रहा है, ये समझा के कि 2 हफ्ते सोशल डिस्टेंस बना के रखें एज अ प्रिकॉशन अपने लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए। लेकिन बिलीव इट और नॉट, होम क्वारंटाइन का ठप्पा लगाने के बावजूद इनमें से कुछ यात्री ना सिर्फ शहर में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, छुट्टियों पे जा रहे हैं, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। किस तरह की सोच है, क्या मानसिकता है, क्या समझ नहीं आ रहा लोगों को? भाई साहब, बहन जी, कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं, काफ़ी जोर शोर से काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, इस रेस में वो आगे चल रहा है, लेकिन रेस अभी बाकी है, जीता नहीं है कोई। हम जीत सकते हैं, हमें जीतना ही होगा। अगर आप इस रेस को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो डॉक्टर्स, नर्सेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, पुलिस, कई ऐसे लोगों की मेहनत को यूं रेस के बीच लंगड़ी ना मारे। ये पहली ऐसी रेस होगी दुनिया में जिसमें सबसे पहले रुकने वाला रनर जीत जाएगा, ना सिर्फ खुद जीतेगा बाकी सबको जिताएगा। इस रेस में सब साथ जीतेंगे या फिर सब साथ हारेंगे। बीएमसी इस स्टैंप को जो हाथों पे लगाती है, इस स्टैंप को बैज ऑफ ऑनर कहती है। बैज ऑफ ऑनर क्योंकि आप ना सिर्फ खुद को सुरक्षित कर रहे हैं बल्कि बाकी कईयों की जान बचा रहे हैं। जान बचाने वाले का सम्मान तो होना ही चाहिए, इस सम्मान का अपमान ना करें आप लोग। कुछ हफ्तों की बात है फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। किसी ने सोच समझ के ही कहा था, जान है तो जहाँ है, सोचिए और समझिए। नमस्कार।